हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम एटीट्यूड चेंज के बारे में, जो हमारा तीसरा मॉडल है, टू स्टेप एटीट्यूड चेंज गिवन बाय SM मोहसिन, उसका अध्ययन करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। इससे पहले हम उस मॉडल पर पहुंचे, सबसे पहले अगेन विल रिकैप द एटीट्यूड डेफिनेशन एंड CDT यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड की जो डेफिनेशन है, एटीट्यूड्स आर लर्न्ड प्रीडिस्पोजिशंस टू इवेलुएट अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, बिहेवियर और आइडिया पॉजिटिवली, नेगेटिवली और रिमेनिंग न्यूट्रल। दिस इज द एटीट्यूड डेफिनेशन। नाउ लेट अस मूव फॉर कॉग्निटिव डिसोनेंस। इट वॉज गिवन बाय लियोन फर्स्टिंगर 1957, जिसमें आप जान देखेंगे कि डिसोनेंस का जो मतलब है, यानी कि कोई भी एटीट्यूड या कोई भी बिलीफ हम बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार के, कई कॉग्निशंस होते हैं, कई आइडियाज होते हैं। तो अगर दो कॉग्निशन या दो आइडियाज किसी भी एटीट्यूड में अगर कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि डिसोनेंस की स्थिति उत्पन्न होती है और कॉन्सोनेंस की कमी हो जाती है, यानी तालमेल की, इन दोनों विचारधाराओं के अंदर तालमेल की कमी होती है, जिससे व्यक्ति में डिसोनेंस, एक तरह का मेंटल डिस्कम्फर्ट उत्पन्न होता है। डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए कॉन्सोनेंस की आवश्यकता पड़ती है, दोनों में तालमेल की आवश्यकता पड़ती है, और फिर जो कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशंस होते हैं उनमें से किसी एक को बदलने की आवश्यकता होती है। तो दिस मीन्स टू अटेन कॉन्सोनेंस वन ऑफ देम, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशंस जो दो थे उनमें से नीड्स टू बी चेंज्ड, बिकॉज डिसोनेंस इज मेंटली डिस्कम्फर्टिंग वाइल कॉन्सोनेंस इज कम्फर्टिंग, यानी मेंटली कम्फर्टिंग। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था किस प्रकार से लियोन फर्स्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बोला था टेलिंग अ लाई फॉर $20। किस प्रकार से $1 मिलने वाले बच्चों को में एक डिसोनेंस पैदा हो गया था, जबकि $20 मिलने वाले बच्चों के अंदर कोई डिसोनेंस पैदा नहीं हुआ था। एंड फाइनली जिनके अंदर $1 वाले बच्चे थे, जिनको $1 रिवार्ड मिला था, उन्होंने किस प्रकार अपने एटीट्यूड को बदल के डिसोनेंस को कॉन्सोनेंस में परिवर्तित कर दिया था। नाउ लेट अस मूव ऑन आवर टुडेज टॉपिक, टू स्टेप कॉन्सेप्ट गिवन बाय प्रोफेसर SM मोहसिन इन 1992। यानी किस प्रकार से हम एटीट्यूड चेंज हमारा होता है, यानी कि ये दो स्टेप मॉडल है, दो स्टेप्स के अंदर हमारा एटीट्यूड बदलता है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम जान लेंगे पहले। लेट अस सी, मोहसिन अडॉप्टेड द सोशल लर्निंग अप्रोच टू स्टेट द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। यानी कि जो एटीट्यूड चेंज का एक प्रोसेस है, उसमें उन्होंने सोशल लर्निंग यानी ऑब्जर्वेशिंग लर्निंग अप्रोच जो थी है, उसका इस्तेमाल किया है। दिस मीन्स हम किसी को देख कर, कोई ना कोई हम लर्निंग हो रही, किसी को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई ना कोई रोल मॉडल है, कोई ना कोई सोर्स ऐसी चीज है जिसको देख कर हमारे एटीट्यूड में बदलाव आता है। वो कहते हैं कि द एटीट्यूड चेंज प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स विच आर टू बी बेस्ड ऑन एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट विद द एजेंट ऑफ चेंज हु शुड इनिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकेटेड अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। यानी कि हम किस प्रकार से, एक टारगेट है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट क्या है, सोर्स क्या है, कि टारगेट वह व्यक्ति जिसकी अभिवृत्ति को बदलना है, यानी टारगेट एम वही है। इस जो एटीट्यूड चेंज में दो कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से, टारगेट और सोर्स, और सोर्स वह व्यक्ति जिसके प्रभाव से अभिवृत्ति में बदलाव आना है, यानी द इंडिविजुअल, द इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू विच द एटीट्यूड चेंज विल टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड सोर्स, एंड टारगेट द इंडिविजुअल हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज्ड। ये दो इसके अंदर मुख्य रूप से एटीट्यूड के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो स्टेप्स के बीच में। नाउ लेट अस सी स्टेप वन क्या होता है। स्टेप वन मींस आइडेंटिफिकेशन, यानी तादात्म्य जिसको बोलते हैं, पहचान बना लेते हैं किसी इंडिविजुअल को, यानी जो टारगेट होता है। सोर्स मस्ट हैव पॉजिटिव एंड अफेक्शनेट अट्रैक्शन टुवार्ड्स द टारगेट, एंड टारगेट मस्ट हैव रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट टुवार्ड्स द सोर्स विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटेड अट्रैक्शन। यानी एक दूसरे के प्रति परस्पर आकर्षण की आवश्यकता इसमें होती है। जब तक टारगेट और सोर्स के बीच में परस्पर आकर्षण नहीं होता है, तो एटीट्यूड चेंज की संभावना काफ़ी कम होती है। द रेसिप्रोकेटेड अट्रैक्शन हेल्प द टारगेट इन आइडेंटिफिकेशन विद द सोर्स एंड डिजायर्ड चेंज इन द एटीट्यूड। मैं दोनों को, आइडेंटिफिकेशन दोनों स्टेप को बताने के बाद, आपको पूर्ण रूप से एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से ऐसा होता है। अब आपको पिक्टोरियल माध्यम से देखिए कि आइडेंटिफिकेशन मॉडल में आप देखते हैं, ये टारगेट है,
यानी ये इंडिविजुअल है जिसके एटीट्यूड के चेंज हमें करना है और ये सोर्स है जिसके माध्यम से हमें एटीट्यूड चेंज करना है। यानी जो टारगेट है वो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट दिखाएगा किसके लिए, सोर्स के लिए, और जो सोर्स है वो पॉजिटिव और अफेक्शनेट अट्रैक्शन दिखाएगा किसके लिए, वो टारगेट के लिए। और आप देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के प्रति जो सम्मान या रिस्पेक्ट या ट्रस्ट की बात हम कही है, इसे प्रोफेसर मोहसिन ने रेसिप्रोकेटेड अट्रैक्शन का नाम दिया है। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। नया स्टेप आप देखेंगे, सेकंड स्टेप है मैनिफेस्टेशन ऑफ एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बाय द सोर्स, यानी कि जो सोर्स है उसके द्वारा किस तरह से एटीट्यूड चेंज दिखाया जाता है। सीइंग द चेंज इन द टारगेट इन एटीट्यूड इन सोर्स, द टारगेट ऑल्सो शोज एन एटीट्यूड चेंज। आप देखेंगे कि सोर्स के एटीट्यूड में अगर टारगेट बदलाव देखता है तो वो भी उसको देखकर अपने अंदर बदलाव कर लेता है और एटीट्यूड चेंज करके अपने मानसिक लेवल को एक कंफर्ट लेवल तक लेके आ जाता है, जिसे ये एक तरह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। अब आप आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लिया जाए कोई एक टीचर है और वो टीचर किसी प्रकार से किसी पान मसाला खाता है, मान लिया जाए पान मसाला खाता है या कोल्ड ड्रिंक पीता है, सपोज कीजिए कोल्ड ड्रिंक पीता है, और उसको कुछ विद्यार्थी अपना रोल मॉडल देखते हैं या कोई भी एक टारगेट। अब आप दोबारा स्लाइड में दूसरी स्लाइड आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये एक टारगेट, मतलब ये एक स्टूडेंट है और ये एक सोर्स है, ये टीचर है जो कोल्ड ड्रिंक पीता है, और इधर आप देखेंगे कि टारगेट है ये स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट भी कोल्ड ड्रिंक पीता है, ठीक, लेकिन इस स्टूडेंट को ये पता चलता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, लिवर के लिए, बोन्स के लिए, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, स्टमक के लिए, एवरीवेयर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो आज कोल्ड ड्रिंक जो चल रही है बहुत ही खतरनाक है। अब आप देखें कि वो देखते हैं कि टीचर भी कोल्ड ड्रिंक पीता है। अब ये टारगेट ने उस सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन अब इस सोर्स को उस टारगेट के प्रति पॉजिटिव और अफेक्शनेट अट्रैक्शन रखना है और उसमें अपने आप में सबसे पहले उसको बदलाव लेके आना है, यानी कि उसको उस कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद करना है। जब वो कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देगा तो जब उस विद्यार्थी को ये पता चलेगा कि इस टारगेट सोर्स ने यानी टीचर ने कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद कर दिया है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी, उसको देखकर टारगेट भी यानी स्टूडेंट भी कोल्ड ड्रिंक को पीना बंद कर देगा और उसके प्रति एटीट्यूड में बदलाव लेके आएगा। यही बात प्रोफेसर एस एम मोहसिन कहते हैं कि दो स्टेप में सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया सोर्स को, सेकंड स्टेप में उसने सोर्स को देखकर एटीट्यूड में चेंज किया। एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल जो था, पिछली सदी के जो महान नेता रहे, महान एक अहिंसावादी महात्मा गांधी जी रहे, महात्मा गांधी जी सबसे पहले कोट पैंट हैट इस तरह पहनकर वो कोर्ट में जाया करते थे, वो एक बैरिस्टर थे। लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि उसके देश के लोगों के पास तन को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, तो सबसे पहले उन्होंने अपने एटीट्यूड में चेंज लाए, अपने आप उन कपड़ों को बदल कर भारतीय वेशभूषा में वो आए, और क्योंकि अपने देशवासियों के प्रति उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट और प्रेम था, अपने देश को वो आज़ाद कराना चाहते थे अहिंसा के माध्यम से, देशवासियों से प्रेम करते थे अफेक्शनेट, उसके विपरीत देशवासियों ने भी देखा कि किस तरह महात्मा गांधी जी ने अपने वेस्टर्न कपड़ों को छोड़कर भारतीय वेशभूषा को अपनाया है, तो उनका भी उनके प्रति ट्रस्ट और विश्वास जागा। यानी जो जनता थी, आम जनता थी, मासिस थे, देवर टारगेट, महात्मा गांधी जी व सोर्स, और महात्मा गांधी जी ने भी उनके प्रति अफेक्शनेट, लविंग अफेक्शनेट, बहुत प्रेम दिखाया, और दोनों के बीच, जनता यानी मासिस के बीच और महात्मा गांधी जी के बीच एक अफेक्शन, एक लव, एक ट्रस्ट का विकास हुआ, जिसके माध्यम से जनता ने भी महात्मा गांधी जी के अहिंसा के मूल्य को समझा और उनके प्रति अपने एटीट्यूड में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाए, और उसकी प्रीकाष्ठा पहुंची 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ और पूरी दुनिया को ये एहसास हो गया कि जो सिविलाइजेशन, जो भारत आज तक कभी की इतना महान, जिसने बिना लड़ाई लड़े अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर फेंका। दिस मीन्स ये एक एटीट्यूड चेंज था, दिस वॉज
द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टू स्टेप एटीट्यूड चेंज बाय एस एम मोहसिन. यानी कि हम अगर ये एक ऑब्जर्वेशन लर्निंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम दो स्टेप में टू स्टेप में अपने एटीट्यूड में बदलाव ला सकते हैं. ये था टू स्टेप मॉडल ऑफ एटीट्यूड चेंज बाय एस एम मोहसिन. थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम. इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई सवाल आपके मन में हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे टेलीफोन पर भी या ईमेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. सी यू नेक्स्ट टाइम.